जो हमारे फाइनल नर्व होता है उसमें कितने अंपायर
है, ये हमारे इसमें डिवाइड होते हैं। रिमेंडेंट में आपको कमिंग आउट फ्रॉम द इंटरवर्टिबल फोरमैन ही स्पाइनल डिवाइडेड इनटू टू रैमी, ठीक है। रैमी क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल की अनाल है हमारा। फिर पोस्टीरियर रैमा एंड एंटीरियर रैमा, द पोस्टीरियर रैमी डिवाइडेड इनटू मेटल एंड लेटरल ब्रांचेस टू सुपीरियर पोस्टीरियर, कुछ नहीं है, ठीक है। और हमारा सर्वाइकल नर्व में भी आता है। तो क्लास क्लियर है आपको, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो कहां पे लाइक करता है, आउटसाइड द पेरिफेरल, ठीक है। और कितने पार्ट्स में होता है डिवाइडेड, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्या होता है, मिक्स अटैक होता है, ठीक है। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ये भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप में, यहां पे कौन सा स्पाइनल और पेरिफेरल, ठीक है। स्पाइनल नर्व हमारे कितने पेयर्स होते हैं, स्पाइनल नर्व में कितने होते हैं, 31 क्या नाम है हमारा, क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हमारे स्पाइनल नर्व होते कितने पेयर होते हैं उसके, 31 पेयर होते हैं, ठीक है। उससे अटैच होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और ये दो रूट से जाता है, वो कौन कौन से रूट होते हैं, डोर्सल और पेडल, ठीक है। अब हमारे इंसान सर्वाइकल लंबर एंड सैक्रल रीजन, जो हमारे सर्वाइकल होते हैं लंबर और सैक्रल रीजन होते हैं एंटीरियर रैमी में, तो किससे होते हैं, उसको क्या बनाते हैं, प्लेक्सस बनाते हैं। प्लेक्सस क्या होता है, पी एल जी एक्स यू एस, क्या होता है प्लेक्सस, नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क होता है वेसल्स और नर्व्स का, ठीक है। क्या होता है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ वेसल्स और नर्व्स, ठीक है। ब्रांचिंग मतलब की ग्रुप में आना, जितनी बहुत सारी मसल्स का या नर्व्स का ग्रुप में आना, उसे क्या बोलते हैं, प्लेक्सस, क्लियर है, दिव्या जी क्लियर है ना। फाइव लाइन फ्लेक्सर को लिखना होगा कौन कौन ही साइड और वर्टिकल कॉलम, हमारे जो फ्लेक्सर होते हैं उसके पांच क्या होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, मेन कौन कौन से होते हैं, सर्वाइकल फ्लेक्सर, ब्रांचल फ्लेक्सर, लंबर, सैक्रल और कॉगिटल फ्लेक्सर, ठीक है। नर्व बहुत आम थी, देयर आर थ्री मेजर नर्व इन द आर्म, जो हमारी आर्म होती है ये उसमें कितनी नर्व होती है, तीन, फर्स्ट होती है रेडियल, मीडियन और अल्नर नर्व, ठीक है। नर्व हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी आर्म्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो आर्म्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड करी गई है, थ्री पार्ट में, फर्स्ट होती है हमारी रेडियल, दूसरी होती है हमारी मीडियन और थर्ड होती है हमारी अल्नर, ठीक है। अल्नर मतलब यू एल एन ए आर, अल्नर नर्व, ठीक है। देयर ब्रांचेस ऑलमोस्ट 45 सुपीरियर एंड मोटर एंड सोमैटिक नर्व, इनकी जो ब्रांचेस होती है वो सोमैटिक और मोटर नर्व्स के क्या होती है, इक्वल होती है, इक्विलेंट होती है, ठीक है। सोमैटिक नर्व सिस्टम ऑफ द आर्म एंड हैंड, दीज नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रांचेस प्लेक्सस, और जो हमारी नर्व होती है कहां से गुजरती है, ये बताओ, प्लेक्सस से, ठीक है। प्लेक्सस मतलब क्या होता है आपको, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ प्लेक्सस और मसल, ठीक है, और नर्व, क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लेग्स, नर्व ऑफ द लेग्स, जो हमारे जो पैरों में क्या होती है, नर्व होती है, जैसे प्रोजेक्ट होती है, क्या होती है, दे लार्जेस्ट सप्लाई का मोटर एंड सोमैटिक नर्व सिस्टम, ये क्या करती है, बहुत ही लार्जेस्ट सप्लाई करती है किसका, मोटर और सोमैटिक नर्व सिस्टम का, ठीक है। दीज नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द लंबर सैक्रल फ्लेक्सस, ठीक है, इससे करती है ये ओरिजिनेट लंबर सैक्रल फ्लेक्सस, ठीक है, इससे करती है ओरिजिनेट हमारी लेग्स की मसल, मसल्स होती है लंबो सैक्रल, ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट है किसी को, समझ आ गया दिव्यांशी, जो हमारे नर्व्स होती है आर्म्स की कहाँ से ओरिजिनेट करती है, हमारे जो आर्म्स की जो नर्व्स होती है कहाँ से ओरिजिनेट करती है, बच्चा हमारे जो लेग्स की नर्व्स होती है कहाँ से ओरिजिनेट करती है, क्लियर है सबको, नर्व्स के बारे में पढ़ना है, हमारी पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, नर्व्स होती है, ठीक है, बैठो। तो हमें क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में नर्व क्या हो गया, ब्लॉक हो जाए, तो हमारा क्या होगा, वो वाला बॉडी पार्ट क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है। बोलते ना पैर की अगर नस दब जाए तो पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कमर की दर्द है तो कमर में होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
दिमाग की वजह से दिमाग काम करना बंद कर देगा, दर्द होना शुरू होगा, क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की। ठीक है, तो हमारे नर्व्स होती है, हमारे नसें होती है, क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसका, क्यों करती है, क्योंकि क्या होता है सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और वो ना मशीन की तरफ चलती रहती है। ठीक है, जब हम ये काम करना बंद कर दे वो हमारा बॉडी पार्ट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, नर्व हमारी आईज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट होती है, और जो हमारी नर्व होती है वो कितनी बारीक होती है, हमारे बाल से बारीक हमारी नर्व होती है, इसलिए बोलते हैं ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सोचोगे तो क्या हो जाएगी, पड़ जाएगी। ठीक है ना, आईज में ज्यादा ध्यान करोगे, मोबाइल भी देखते रहोगे, कंप्यूटर देखोगे और टीवी देखते रहोगे, तो ये भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। बोलते हैं ना इसके 8 मीटर की दूरी पर हमें देखना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारी नर्व होती क्या होती है, ठीक होती है, इसलिए। और आने क्लास में हमने बताया था आपको रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है, सडन हमने क्या किया, एक्शन किया, सडन एक्शन। ठीक है, मैंने आपको क्या किया, सिलेक्ट किया, मैंने आपको मारा, आपका क्या एक्शन होगा मेरे लिए वो आपका डिपेंड करता है, आपका जो नर्व होती है वो डिपेंड करती है कि हमें कौन सा एक्शन लेना है। ठीक है, मैंने तुम्हें मारा तो मैंने लगा कि ये तो मैं मारी, और हम इनको कुछ नहीं कह सकते, वो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें एक्शन बताया ना, मैसेज दिया, उसके बाद किसी दोस्त ने मारा तुम्हारे, तो तुम उसकी मार नहीं पा सकते, तुम कहोगे कि तुम उनका भोजन मारोगे, क्या करोगे, तुम समझाओगे, तुम्हारा जो दिमाग कहेगा, मैसेज देगा, वो फ्यू सेकंड में तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उसको बता दोगे। ठीक है, कोई मोट बढ़ता है, कोई मैंने हाथ लगाया, मैंने हाथ लगाया नहीं करता, हटा लिया। ठीक है, या फिर मैंने बहुत गुस्सा किया, मैं घर वालों के कारण हाथ चल गए, तो ये सब हमारा मैसेज कौन करता है, हमारे जो दिमाग होता है वो ट्रांसफर करता है मैसेज। ठीक है, क्या होता है रिफ्लेक्सिव, इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, ऑटोनॉमिक होता है, ऑटोनॉमिक तो होता है, कोई बोलता है मैंने तुम्हें मैं मार रही हूँ, ठीक है, मैंने अहमद को मारा, तो अहमद क्या होता है, तुम्हारा खुद का दिमाग काम करेगा ना, लेकिन अगर तुम्हें प्रोव भी करेगा कि नहीं मैं आपको मारू कि मैंने मारा, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है ना, कि हमारे सीनियर है क्या है, हमें नहीं मारना चाहिए, जो तुम्हें दिमाग तुम्हें मैसेज करेगा तो तुम उसको अप्लाई करोगे, तो ये क्या है, ऑटोनॉमिक है ना, ये कोई करा तो नहीं रहा, अगर तुम्हें कोई करा दे रहा है लेकिन तुम तो दिमाग चल जाओ ना। ठीक है, तो जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है क्या है, ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स होता है, टू अ स्टिमुलस विच डिपेंड्स ऑन द इंटेग्रिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द पार्ट में। ठीक है, रिफ्लेक्स आर द रिफ्लेक्स आर क्या होती है, इट फॉर्म द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारी रिफ्लेक्स आर होती है वो क्या फॉर्म करती है, फंक्शनल यूनिट क्या करती है, फॉर्म करती है नर्वस सिस्टम के, और कंसिस्ट ऑफ द रिसेप्टर, किस चीज में कंसिस्ट करती है, रिसेप्टर में एफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, एंड द इफेक्टर ऑर्गन, और ये क्या है, दोनों सेम है, एफरेंट ये डबल है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम हो रही है। ठीक है, एफरेंट और एफरेंट दोनों ही क्या है, सेम है, अच्छा देखो, एफरेंट एफरेंट दोनों सेम है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, स्पेलिंग इनकी अलग है, तो इनके मतलब भी क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, एफरेंट इस वाले एफरेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है न्यूरॉन का मोटर न्यूरॉन, कौन सी नर्व होती है, मोटर नर्व। ठीक है, दैट कैरी न्यूरल इंपल्सेस, जो क्या करती है, हमारा जो न्यूरॉन है उसका मैसेज को ट्रांसफर करती है। ठीक है, अगर फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टूवर्ड मसल्स टू द कॉज मूवमेंट। ठीक है, ये क्या करती है, अपना जो मोटर न्यूरॉन होती है क्या करती है, मैसेज लाती है सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है ना, और हमारा जो एफरेंट होता है ये होता है, ये एफरेंट क्या होता है, न्यूरॉन का सेंसरी न्यूरॉन, जो हमारे बॉडी होती है कौन सी होती है, सेंसरी। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन होती है, ये कौन सी होती है, मोटर होती है। एफरेंट इसमें कौन सी होगी, सेंसरी न्यूरॉन होगी, सेंसरी नर्व होगी, एफरेंट में क्या होगी, मोटर नर्व होगी। क्लियर है ये वर्ड, ये हर जगह आपका आएगा, कंफ्यूज मत होना, इसका मीनिंग है हमारे कि सेंसरी नर्व्स की बात हो रही है, इसका मतलब है हमारा कि मोटर नर्व्स की बात हो रही है। ये क्या करता है, मैसेज को, ये जो एफरेंट होता है मैसेज क्या करता है, कैरी करता है किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ताकि हम क्या कर पाए, मूवमेंट कर पाए। ठीक है, सेंसरी नर्व्स क्या करती है, कैरी नर्व्स फ्रॉम सेंसरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
एंड ब्रेन, ये हमारा ब्रेन से लेके आता है, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी सेंसरी होती है, हमारा मैसेज लेके आती है ब्रेन से, ये हमारा मैसेज लेके आती है किसे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। क्लियर है, क्लियर है सब, इधर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ सिनेप्सिस कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंड डिफरेंट न्यूरॉन, जो हमारे सिनेप्सिस होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्शन होता है किसका, एब्रेंट और दोनों वाइड का, ठीक है, एब्रेंट का। वेरी फ्रॉम वन मैनी हंड्रेड दिस सिनेप्सिस आर लोकेटेड इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हमारे सिनेप्सिस होते हैं कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा क्लासिफिकेशन करा गया है रिफ्लेक्सेस का, क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, क्या है, रिफ्लेक्सेस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मोनो एंड पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। जो हमारा रिफ्लेक्सेस है वो क्लासिफाई किया गया है कितने कैटेगरीज में, टू कैटेगरीज में, ठीक है, कौन कौन सा होता है वो, मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक, ठीक है। पॉली और मोनो समझ आ रहा है, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, ठीक है, पॉली मीन्स क्या होता है, ठीक है, क्या वाला है मोनोसिनेप्टिक में, बोलो, ओनली वन सिनेप्सिस प्रेजेंट बिटवीन द एफरेंट एंड डिफरेंट न्यूरॉन। एग्जांपल क्या होता है, ऑल द स्टेट रिफ्लेक्सेस, जैसे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और नी जॉइंट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मोनोसिनेप्टिक, ठीक है। पूरी क्लास बताएंगे मोनोसिनेप्टिक में क्या होता है, Yes, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. क्या होता है मोनोसिनेप्टिक? मैम क्या होता है, सिंगल, सिंगल, कोई एक चीज प्रेजेंट है, ठीक है, ओनली वन सिनेप्स होता है ना, ये आपने नर्व का डायग्राम बनाया होगा, उसमें सिनेप्सिस दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, तो उसमें क्या है, सिर्फ सिंगल, सिंगल क्या है, सिनेप्स प्रेजेंट है कहां पे, एफरेंट और डिफरेंट न्यूरॉन्स में, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा पॉलीसिनेप्टिक, पॉलीसिनेप्टिक में क्या करता है, पॉलीसिनेप्टिक डिफरेंसिंग मींस वन और मोर इंटर न्यूरॉन, जितनी भी न्यूरॉन्स होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से आकर इंटरकनेक्ट कर रही है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक नर्व का जो डायग्राम था वाला, ठीक है, इससे एक कंप्लीट हुआ जिससे दूसरी जुड़ गई, क्लियर है, तो एक से ज्यादा प्रेजेंट होना, ठीक है। पॉलीसिनेप्टिक क्या होता है, रिफ्लेक्सेस इन व्हिच वन और मोर इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एफरेंट एंड डिफरेंट न्यूरॉन, एग्जांपल क्या होता है, विंडो रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना। हम अब पैर क्या कर रहे हैं, मैंने ऐसे किया, दस का लगाया अपने पैर को, तो क्या है हमारा पूरा वर्क कर रहा है ना, एक सिनेप्स तो नहीं कर रहा, पूरा सिनेप्स हमारा वर्क कर रहा है उस चीज में, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूरॉन भी ट्रांसमिट एक इंपल्स बिटवीन अदर न्यूरॉन, ठीक है, एक न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रही है दूसरे न्यूरॉन, क्लियर है ना, कोई डाउट है, बोलो, क्लियर है। पीछे में तो नाम भी नहीं पता तुम्हारे, डॉक्टर अहमद, बाहर आओ, क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, किधर टाइप का होता है, कौन कौन सा, सोमैटिक नर्व, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये फर्दर क्लासिफाई किया गया कितने टाइप में, टू टाइप, कौन कौन सा, हाँ बताओ, जो भी आपको पता है वो बता दो, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व में डिवाइड है, तो हमने स्पाइनल नर्व होते, स्पाइनल नर्व के कितने पेयर होते हैं, जो हमारे स्पाइनल नर्व होते हैं पतली सी नर्व, हमारे कमरे में जब बैठते हो तो खुद ही दिखती है ना, दिखती है पतली सी नर्व, वो कौन सी होती है, स्पाइनल नर्व होती है,
उसमें कितने नव पेयर्स होते हैं, नव के 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और वो अलग अलग में डिवाइड हो जाते हैं, 8 पेयर इसके सर्वाइकल नर्व के हैं, 12 पेयर इसके फॉरेस्ट नर्व के हैं, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। फ्लेक्सिस क्या होता है? पी एल ई एक्स यू एस ई एस क्या होता है? फ्लेक्सिस पेंसिल स्टिमुलस हो रहा है, मतलब कि किसी ने मेरे क्या किया, मेरा हाथ जल गया, मैं एकदम से अपना
एक्सटेंड हो गया, मेरे हाथ में तुमने सुई चुभाई, मैं चुभा लूंगी उसे। ठीक है, तुमने सडन आया, सडन इंजेक्शन लगाने के बाद अलग ही, हम डॉक्टर बोलते हैं इंजेक्शन लेगा, हम उस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं कि हमें दर्द होगा, तब भी हमारा रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। ठीक है, हम उसके दर्द को बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन तुम आए, तुमने मेरे सिर चुभाया, मैं सुई चुभा लूंगी, तुमसे एक्शन दिखाऊंगी ना, तुम्हें मारूंगी या क्या करूंगी, तो बाहर निकालूंगी, तो वो होता है हमारा पेनफुल स्टैंड। ठीक है, कि हमें उस चीज से दर्द हो रहा है और अपने हमने क्या किया, एक्शन शो किया। ठीक है प्राची, क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका इवेंट है वो फिंगर कमिंग टू कॉन्टेक्ट विद हॉट सरफेस। हमारे क्या हो रहा है, हमारे फिंगर किससे कॉन्टेक्ट में आई, किसी भी गर्म चीज के सरफेस में आई कॉन्टेक्ट में, वही है जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। The hand is withdrawn immediately with a big big jerk because one side is able to correlate the particular experience. This is because the receptors are keen for the message. क्यों होता है वो? इसलिए कि हमारे receptors cells से हमारे skin की वो क्या कर रही है, message को perceive कर रही है। मतलब हमें बता रही है कि हमारे हाथ कहाँ लगा, किसी गलत चीज पे लगा है, तो उसको हटा दो। ठीक है, perceive the message which is then वही था कि हमारा पेंसिल स्टमनेस क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारा विद्रॉल रिफ्लेक्स, विद्रॉल रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा क्या हुआ, हमारे जो फिंगर्स है, हमारा हाथ किसी गर्म चीज के कॉन्टेक्ट में आया, तो हमारे जो सेंसरी नर्व्स ने स्पाइनल कॉर्ड पर हमारा मैसेज पहुंचाया, फिर वो एकदम से देखा है, तो हमने क्या किया, एक्शन किया भाई, कि हमें वहाँ से हाथ हटाना है या हमें हाथ रखे रहना है। वो जितना हमारा ब्रेन हमारे सेंसरी नर्व्स हमें क्या करिए मैसेज ट्रांसफर कर रही है, उतना ही हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। जितना जितना हमारा फ्रेश माइंड होगा, उतनी जल्दी क्या करेंगे, उसको करेंगे। कुछ लोग पागल होते हैं, उनको चारों ओर ठंड में बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लग रहा है उनको ठंड लग रही है, लेकिन उनका क्या है, मैसेज वो हमें ट्रांसफर नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। कुछ लोग क्या होते कॉर्नर में चले जाते हैं, तो उनकी जो नर्व्स होती है वो वर्क नहीं करती ना, इसलिए तो किसी को पहचानते भी नहीं है, कुछ नहीं बोलते, बस उनकी सांस चलती रहती है। पम्मा का मतलब पता है क्या होता है, नहीं बता रहा कोई बात नहीं, जैसे पता है बताओ आप, इसका फॉर्म में जाएगी। मैंने आपको पहले ही समझा दी तो फोन आपका साइलेंट में रहेगा। क्या होता है पम्मा का मीनिंग, डरो नहीं, बता दो जरूर पता है। कोमा का मीन्स होता है कि हमारी बॉडी क्या है, हम डेड हो चुके हैं, मतलब हमारे दिमाग को क्या होता है, डेड हो चुका है, उस वजह से हमारे हाथ पैर भी काम नहीं करते, क्योंकि जितनी भी हमारी नज़र होती है ना हाथ पैर चलाने की, वो दिल से हमारे दिमाग से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इंसान को आवाज तक चले जाते हैं कि वो रेस्पॉन्स नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि जो सेंसरी नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, मोटर नर्व्स है, वो क्या हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, इसलिए वो रेस्पॉन्स प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। हमने स्पाइनल नर्व्स में क्या क्या पढ़ा, हमने ब्लड वेसल्स पढ़ा,
पॉलीसिनैप्टिक नर्व पढ़ा, मोनोसिनैप्टिक नर्व पढ़ा, ठीक है। जब हमारे स्पाइनल नर्व होते हैं कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पाइनल नर्व क्या होती है। तो दीज नर्व हैव देयर सेल बॉडीज इन द ब्रेन। जो हमारे क्रैनियल नर्व होती है ना, ये वाली नर्व होती है हमारे क्रैनियल, इसको हम बोलते हैं एब्रेंट डिस्कलर भी बोलते हैं, डिस्कलर, और इसको हम इनवॉलंटरी
वेजिटेटिव फ्रेंड। ठीक है, तो जो हमारा वेजिटेटिव होता है, क्यों बोलते हैं उसको वेजिटेटिव? ये क्या करता है, हमारी ग्रोथ है ना, उससे क्या करता है, कंसर्न करता है हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में, वर्क करने में क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम भी हम उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है उसके साथ कंसर्न करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है कांचा, तो अच्छी थी कांची, निंदा क्लियर है आपको, क्वेश्चन समझ आ रहा है, अभी आप एक्सप्लेन करोगे इसको। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है हमारी, एनएस की ऑर्गेनाइजेशन मतलब बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। ठीक है, क्या है, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल डिफरेंस पे हमारा बेस करता है, ये दो टाइप में होता है, कौन कौन सा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। कौन आ रहा है क्या, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी एएनएसयू क्या होती है, फिजियोलॉजिकल भी होती है उसमें और एनाटॉमिकल डिफरेंस के बेस पे होती है। ये कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स, सिर्फ गर्ल्स की आवाज आ गई। एएनएस कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का, कौन कौन सा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। ठीक है, क्वेश्चंस डोंट मिस वन प्लीज, इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्लास में। ठीक है, तो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन क्या होगा, इसका सिंपैथेटिक न्यूरल सेल बॉडीज लाइज इन द इंटरमेडिएटरी कॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ओनली बिटवीन द फर्स्ट थोरैक्स एंड सेकंड। ठीक है, लंबर सेगमेंट देयरफॉर सिंपैथेटिक डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड एज थोराकोंगुलर डिवीजन। ठीक है, जो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन होता है ये क्या करता है, कहां लाइज करता है, थोरैक्स और स्पाइनल कॉर्ड के क्या करता है, बीच में लाई करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं थोरा कोलमनर डिवीजन। ठीक है, सिंपैथेटिक को हम क्या बोलते हैं, थोरा कोलमनर डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाई करता है हमारे कहां कहां, स्पाइनल और कहां बताते हैं आज में, सिंपैथेटिक क्या होता है हमारे कोऑर्डिनेट करता है सेल बॉडीज पे। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर होता है हमारा, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है इसका, ये डिवाइड होता है हमारा ब्रेन और सेरेब्रल पोर्शन से। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के इसको बोलते हैं ब्रेन और सेरेब्रल डिवीजन। ठीक है ना, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कहाँ से हमारा लाया जाता है, ब्रेन और सेरेब्रल पोर्शन से, इसलिए आपको क्या बोलते हैं, ग्रैंड सेरेब्रल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, क्रैनियल आउटफ्लो क्या होता है, एक सप्लाई का विस्कुलर स्ट्रक्चर इन द हेड नियर द कोलमनर स्पेशल नर्व है। क्या, जो हमारी ब्रेन में आईज में क्या होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, तो कौन सा करता है, क्रैनियल नर्व प्रेजेंट करती है हमारी आंखों में, थोड़ा क्या होना, विस्कुलर फ्लो होना। ठीक है, जिसके हमारी आंखों में थोड़ा कोई पानी आना, उससे है ना, ध्वनि यूज कर रहे हो क्या, क्यों नॉट बनाएंगे आप, मैं तो आपसे डरे में स्टैंड कर देते हैं। हाँ, आपको नहीं करे, ग्रुप में नहीं हो आप, पर्टिकुलरली मैं बन पाया मतलब क्यों करूँगी, मैं पूरी ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ, मैं सबने देखे थे ना, किस किस को मिले थे रेजियो रैंड ग्रुप में, किस किस को नाम मिले थे, बाकी आपको ग्रुप में नहीं कर सबको कॉल से ऐड हो जाओ। हमारा सेक्टर लॉस तो क्या होता है, सरकार से पहले में पूछ करा, ये तो पहले में बात है, सेकंड बॉल की पूछ लिया। ठीक है, तो ये हमारा का क्लास था हमारा कंप्लीट हुआ, हम पढ़ेंगे इसके स्पेशल सेंसेस क्या क्या होते हैं और डिसऑर्डर क्या क्या होता है हमारे नर्वस सिस्टम के, दो लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आगे बच्चा आके आज हमने क्या पढ़ा उसको प्लीज एक्सप्लेन कर दो, मैं इसको बच्चे समझ आ रहा हूँ, उससे मुझे पता चल जाएगा इसको कितना समझ आया है। कौन करेगा, दिव्यांश आप कराओ, आज हमने क्या पढ़ा, एक्सप्लेन कर दो क्या होता है, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम आउटसाइड द सीएनएस इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक
skeletal muscle cells and the CNS. Very good. This somatic nervous system is divided into two parts, spinal nerves and cranial nerves. There are 31 pairs of spinal nerves and there are 12 pairs of cranial nerves. Very good. अब हमने स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ा है, पर स्पाइनल नर्व्स में प्लेक्सस पढ़ा है, तो होता है प्लेक्सस? प्लेक्सस इज अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. Very good. और उसके बाद हमारे नर्व होती है आर्म में. आर्म क्या होती है हमारी? कहाँ होती है आर्म? हाँ, तो इसमें कौन सी जो नर्व होती है? ठीक है, और जो लेग्स होते हैं उसमें कौन सी नर्व? और जो पॉलीसिनैप्टिक नर्व क्या होता है हमारा? इट कंटेन्स टू वन और मोर सिनैप्सेस बिटवीन डिफरेंट नर्व्स. फॉर एग्जांपल विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है हमारा? रिफ्लेक्स एक्शन. क्या होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन? मैम इट कंसिस्ट ऑफ ए रिसेप्टर एंड देन इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन. इनवॉलंटरी एक्शन होता है जब क्या करते हैं हम इसे एग्जांपल अगर देने लग जाए तो हमारा क्या है, हमारे फिंगर से हमारा हाथ उस पर टच किया और उसके और किसी भी चीज में गर्म हुआ, कोई मतलब हॉट बर्तन रखा उस पर लगा, तो हमने क्या किया, सडन अपना एक्शन दिखाया, हो गया. ठीक है, और इसका एग्जांपल यही होता है विड्रॉल रिफ्लेक्स करना. ठीक है, फिर हमारे क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व के कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं. लेकिन कुछ क्या होती है, दोनों ही साथ काम करने लग जाएंगे, ये और ये, तब हम उसको उसके इसमें क्या बोलेंगे, उसको मिक्स ना. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ा ANS का व्हाट इज अदर नेम ऑफ ANS? एब्रेंट विस्क्रल. ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए वन मार्क्स में व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ANS? ठीक है, ANS का दूसरा नाम क्या होता है, तो हम उसमें से अगर सारे लिख नहीं जाए तो सारे लिख दो एब्रेंट विस्क्रल इनवॉलेंट्री और वेजिटेटिव. कोई एक लिखने के लिए आ रहा है तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, वेजिटेटिव, एपरेंट, विस्कुलर और इनवॉलंटरी. ठीक है, तो हमारा वेजिटेटिव क्यों कहा गया है इसको? इट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ. वेरी गुड, फ्रॉम डे टू डे लिविंग लाइफ. ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था एनएस का वो टू पार्ट में डिवाइडेड है, वो कौन कौन से है? सिंथेटिक एंड पैरासिंथेटिक डिविजन. ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग करो आपकी दीवानगी की. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे और स्पेशल सेंसेस पढ़ेंगे. सब अपने नोट्स क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना, तो आपका चैप्टर क्या होता है, प्रैक्टिकल भी होता है. ठीक है, उसमें मैं आपके मार्क्स क्या करूँगी, इंक्लूड करूँगी, टेन मार्क्स का आपके नोट्स हैं, जो मुझे नोट चेक कराएगा उसको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, गर्ल्स को मुझे पता है सबसे कम्प्लीट है, आज कम्प्लीट कर लेना. आप भी अगर क्वेश्चन सब पूरी क्लास के लिए, कोई भी स्पेशल नहीं है, जिसकी लेट क्लास स्टार्ट हुई है वो जीरोक्स करा लेना दिव्यांशी की नोटबुक से. ठीक है, क्योंकि फिर आगे आप उसको क्लियर समझ आ जाएगी. ठीक है ना, दिव्यांशी की नोटबुक से आप नोट जीरोक्स करा लेना. बाकी थर्ड और नहीं सारे इंपॉर्टेंट फिफ्थ यूनिट के नोट आपको बनाए हैं, कोई जीरोक्स नहीं चलेगा. ठीक है, फिफ्थ यूनिट में आप ये कराइए रिसेट, बहुत अच्छी चल रही है, आज स्टार्ट कराएंगे. और जो हमारी फोर्थ यूनिट है उसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है, आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे. क्लियर है सबको? उसके बाद आप एक क्या लाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल लाएंगे, जैसे फाइल मैंने आपको दिखा दी है. ठीक है, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट आप कर लेते हैं, आप फर्स्ट कॉपी पे कर लो. ठीक है ना, और उसके बाद आप उसको क्लियर करके लाएंगे. बता प्रैक्टिकल तो बता प्रैक्टिकल.